महादेव दोस्तों, आज हम जा रहे हैं दूधधारा ब्रह्म कमल लेने के लिए। तो अभी रास्ता बहुत लंबा है, बहुत ज़्यादा लंबा, मुझे लगता है साढ़े ढाई तीन बजे तक हम पहुँचेंगे। तो अभी दिखाता हूँ हमारे साथ कौन कौन है। अभी पूरी टीम आई हुई है आश्रम से आज, ये देखिए जय लाए हैं काजू बादाम त्यागी दिगंबर अखाड़ा मथुरा वृंदावन। बाबा के नेटवर्क फुल है आज, और क्या कह रहे ये काले बाबा हमारे, और ब्रह्म कमल के लिए कट्टे बोरे भर रखे हैं, ये थर्मस चाय, अरे काजू तो निकाल लो, काजू बादाम, काजू बादाम बिस्किट, सारी चीजें अवेलेबल है। अभी देखिए हमें वहां जाना है, बहुत दूर ऊपर चढ़ना है अभी पहाड़ पे ना, उधर ग्लेशियर देखिए यहाँ से कैसे दिख रहे हैं, केदारनाथ के बहुत ऊंचाई पे आ चुके हैं हम। तो चलिए चलते हैं, लेट्स गो गाइस, हर हर महादेव। तो हर हर महादेव दोस्तों, तो हम जो है 6 लोग निकले थे और आज हमें बहुत ऊपर जाना था ब्रह्म कमल लेने के लिए, वासुकी ताल से भी ऊपर। तो अभी हम दूधधारा पे है जहाँ लैंडस्लाइड हुई थी अभी कुछ दिन पहले, देखिए सारे पत्थर जो है लैंडस्लाइड में बिखरे हुए हैं और ये दूधधारा बह रही है। तो अभी जो है हम 2 लोग बचे हैं, बाकी 4 लोग जो है हिम्मत हार चुके हैं हमारे, तो वापस लौट चुके हैं, लेकिन हम वापस नहीं लौटेंगे क्योंकि महादेव का आशीर्वाद हमारे सर पे है। तो देखिए कितनी प्यारी लग रही है दूधधारा बहती हुई पहाड़ों में, ये नीचे जा रही है केदारनाथ मंदिर के पास। ऐसे ही तो बहुत ही अच्छे अच्छे और समय यहाँ पे मिले हैं। हम अभी आगे बढ़ रहे हैं, हमारी जो टीम है उसके जो 4 सदस्य हैं वो पीछे हट चुके हैं क्योंकि खतरा बहुत ज़्यादा है, इधर लैंडस्लाइड होती रहती है, इनके नीचे जो है ग्लेशियर है पहाड़ों के, और इधर टाइगर और भालू का भी बहुत खतरा है। अभी रास्ता बहुत लंबा है, मैं और बाबा जी जो है अभी आगे बढ़ रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है, आपको दिखाते हैं, हर हर महादेव। दोस्तों रास्ता जो है इधर ख़त्म हो चुका है और अब जो है बस ये लैंडस्लाइड जो हो रखी है, पानी बह रहा है, तो इसी रास्ते से हमें बढ़ना होगा आगे क्योंकि कोई भी रास्ता आगे हमें दिखाई नहीं दे रहा है, पगडंडी नहीं है क्योंकि वासुकी ताल के लिए तो पगडंडी बनी हुई थी कुछ दूरी तक, लेकिन इधर ऐसा कुछ नहीं दिखाई दे रहा है। और ब्रह्म कमल के पौधे जो है हमें यहाँ से दिखाई देने लगे हैं, ब्रह्म कमल का पौधा एक यहाँ पे देखिए लगा हुआ है। और चलिए आगे बढ़ते हैं, अभी पत्थरों को पार करते हुए फिर दिखाते हैं आपको, चलो आगे बढ़ते हैं अभी पत्थरों को पार करते हैं और फिर आपको आगे का नज़ारा दिखाते हैं। अभी बहुत लंबा सफ़र है, अभी हमें वहाँ जाना है ऊपर। तो दोस्तों हमें अभी जो है एक ब्रह्म कमल दिख चुका है ऊपर, तो अभी हम चढ़ रहे हैं उसे लेने जा रहे हैं, और उसके आसपास और भी ब्रह्म कमल लगे हैं 2-4, तो बहुत ढूंढना पड़ता है पहाड़ी चढ़ चढ़ के। तो प्लीज़ इतनी मेहनत कर रहे हैं हम, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, हमारी वीडियो को आगे बढ़ाइए ताकि केदारनाथ और उसकी घाटी के बारे में सभी लोगों को जो है अच्छे से पता चल सके। तो अभी मैं और बाबा जी ऊपर ब्रह्म कमल लेने जा रहे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये देखिए हम आ चुके हैं ब्रह्म कमल के पास, और ये देखिए कितना खूबसूरत लगता है ब्रह्म कमल, मैंने आज पहली बार लगा हुआ देखा है हिमालय में, और बाबा जी को सबसे दूर से ये दिखाई दिया था। तो चलो हम इसे तोड़ते हैं, अभी ब्रह्म कमल को हमें इसे लेके जाना है अभिषेक करने के लिए। तो एक और ब्रह्म कमल हमें यहाँ पे मिला है, देखिए पत्थर में पत्थर को चीर के ब्रह्म कमल जो है निकलता है, और देखिए कितना खूबसूरत है, और इसकी जो फ्रेग्रेंस है, जो खुशबू है, वो बहुत ही ज़्यादा मनमोहक है। तो बाबा जी इसे तोड़िए, बाबा जी प्लक कीजिए, ये देखिए। तो ये 2 ब्रह्म कमल अभी हमने इकट्ठे किए हैं, अभी पहाड़ी चढ़नी है, ऐसे ही एक एक मिलता जाएगा, हम तोड़ते जाएंगे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, आगे बढ़ाइए हमारी वीडियो क्योंकि बहुत मेहनत लगती है पहाड़ियों को चढ़ के ब्रह्म कमल को तोड़ने में। हर हर महादेव। देखिए 2 ब्रह्म कमल जो है यहाँ पे लगे हुए हैं, और 2 ब्रह्म कमल जो है ऊपर लगे हुए हैं, तो इन्हें भी हम अभी कलेक्ट कर लेंगे यहाँ से और फिर चलते हैं, ऊपर तक जाना है।
हर हर महादेव। तो दोस्तों रास्ता बहुत खतरनाक है, हमें तो चक्कर ही आने लगे थे अभी, और अभी हमें बहुत ऊपर जाना है। आप देख सकते हो कि चढ़ाई कितनी है, कितना खतरनाक रास्ता है। ये देखिए, ये पूरा जो है पूरी चढ़ाई है और ऊपर तक जाना है हमें। बाबा जी अभी ऊपर खड़े हुए हैं, ब्रह्म कमल भी तलाशने हैं हमें। तो चलिए चलते हैं, बढ़ते हैं आगे। तो अभी हम एक जगह और बैठे हैं रेस्ट करने के लिए, क्योंकि बहुत ऊपर आ चुके हैं हम। देखिए वहाँ नीचे से आए हैं, नदी से खड़ा पहाड़ है बिल्कुल चढ़ाई, और हमारे पास जो है अभी चाय अभी हम पी रहे हैं यहाँ पे, और चाय हमने ला रखी है, काजू बादाम है हमारे पास अभी। काजू बादाम दिखाओ भाई, काजू बादाम खिलाओ। काजू बादाम ला रखे हैं, बाकी बिस्किट्स भरे हुए हैं बैग में हमारे, बहुत सारे बिस्किट्स हैं, बिस्किट के पैकेट बहुत भरे हुए हैं। और बाबा जी अभी चाय पी रहे हैं, अभी थोड़े ही ब्रह्म कमल जो है हमने इकट्ठे किए हैं, अभी इतने ही हैं हमारे पास, बाकी अभी बहुत इकट्ठे करने हैं, दो बैग भरने हैं। तो चलिए चाय पीते हैं दोस्तों, तो चाय पीते हैं दोस्तों, इंजॉय करते हैं। तो चीयर्स। वाह, हिमालय में चढ़ने के बाद, इतना ऊपर आने के बाद हिमालय में इतना मन लगता है, और वहाँ बैठ के चाय पीने का सौभाग्य है बाबा जी के साथ प्राप्त हो रहा है, तो बहुत अच्छा महसूस हो रहा है, मन से भी दिल बहुत खुश है। बहुत ठंडी हवाएं, कहते हैं कि केदारनाथ में स्वर्ग से हवाएं चलती है, तो आज कुछ ऐसा ही महसूस हो रहा है कि हवाएं जो है स्वर्ग से आ रही है। तो थकान अभी बैठते ही ख़त्म हो चुकी है, ठंडी ठंडी हवाएं लगते ही बादलों में आ चुके हैं, बादल अभी आ रहे हैं पीछे से। तो चलिए बढ़ते हैं आगे, मिलते हैं। तो दोस्तों वहाँ एक पहाड़ी है ऊपर जाके, बहुत ऊपर है, वैसे तो अभी हमें धुंधली धुंधली दिखाई दे रही है, लेकिन बाबा जी को वहाँ बहुत सारे ब्रह्म कमल का झुंड दिखा है। तो अभी हम वहीं की चढ़ाई कर रहे हैं, लगभग हमें एक घंटा लग जाएगा वहाँ तक चढ़ने में, और हम आपको दिखाएंगे वहाँ पे बहुत सारे ब्रह्म कमल है, पूरी पहाड़ी ब्रह्म कमल से सजी हुई है, तो कितना अच्छा दृश्य होगा वहाँ का, अभी देखते हैं जाके। अभी बाबा जी मुझसे ऊपर जा चुके हैं, तो चलिए चलते हैं फटाफट, देखते हैं वहाँ का नज़ारा बहुत। तो अभी जो है हम दोस्तों इस रास्ते को चढ़ के ऊपर की ओर बढ़ रहे हैं, अभी समय लगेगा काफ़ी, क्योंकि ऊँचाई बहुत ज़्यादा है हिमालय की। बाबा जी ऊपर खड़े हुए हैं और बहुत ऊपर जाना है अभी हमें। ये देखिए बादल आ चुके हैं, मौसम देखिए कितना बेहतरीन है, व्यू भी बहुत खूबसूरत है यहाँ का, बहुत अच्छा लग रहा है। थकान भले ही हो गई हो, लेकिन भोलेनाथ का आशीर्वाद जो है वो साथ में है, तो कोई दिक्कत नहीं, हर हर महादेव। तो दोस्तों फाइनली हम बहुत नज़दीक आ चुके हैं, वो सामने पहाड़ी है, मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ। देखिए ये जो वाइट वाइट छोटे छोटे दिख रहे हैं, पूरी पहाड़ी जो है ऊपर तक ब्रह्म कमल से भरी पड़ी है, बहुत ही अच्छा नज़ारा यहाँ से देखने में लग रहा है। बाकी अभी 10 मिनट में हम वहाँ पहुँच जाएंगे, फिर आपको दिखाते हैं वहाँ का नज़ारा। तो भाई देखिए कितना ज़्यादा कठिन रास्ता है, बिल्कुल रेंगना पड़ रहा है, रेंगना कछुए की तरह। और ये देखिए यहाँ से ब्रह्म कमल स्टार्ट होते हैं, एक ब्रह्म कमल यहाँ पे जो है लगा हुआ है, और भाई ये पहाड़ी देखो आप लोग, पूरी जो है ब्रह्म कमल से भरी पड़ी है, पूरी ऊपर तक जो है पूरी भरी पड़ी है। बाकी उधर से भी हमें ऐसा लगता है कि उधर से भी ये भरी पड़ी होगी, बाकी क्लोज जाके हम आपको दिखाते हैं, अभी क्लोज जाके दिखाएंगे, बहुत ही खूबसूरत नज़ारा है यहाँ का। तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, वीडियो को आगे बढ़ाइए, बहुत मेहनत करनी पड़ रही है, देखिए रेंगते हुए ऊपर जाना पड़ेगा अब इस पहाड़ी पे भी।